पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिस करण जौहर को सलाम ठोकती है उससे अजय देवगन एक बार नहीं चार बार मंगवाई माफी। एक्टर अजय देवगन आज जहां पर भी है अपने दम पर उन्होंने मुकाम हासिल किया और करण जौहर को अपने पिता की विरासत मिली जिस पर बहुत बड़ा घमंड करते हैं। वो भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के जरिए ही आए और इसीलिए वो भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देकर केवल स्टार किड्स को लॉन्च और हिट करते हुए पाए गए। यही वजह रही कि आज उन्हें सब बॉलीवुड के बड़े निर्माता और निर्देशक मानते हैं जिनसे सभी स्टार डर कर रहते हैं। लेकिन अजय नहीं जिस नेपोटिज्म पावर की हेकड़ी पूरी इंडस्ट्री में दिखाते हैं उसे अजय ने अपने स्टाइल में एक बार नहीं चार बार तोड़ा, इनसे माफी भी मंगवाई, इसलिए वो इनसे बहुत नफरत करते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब कहां और कैसे अजय ने चार बार करण की हेकड़ी तोड़ डाली और माफी मंगवाई। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिए और हाँ, अजय देवगन के लिए वीडियो को लाइक कर दो। नंबर एक, 2016 में जब अजय देवगन निर्देशक के तौर पर अपनी फिल्म शिवाय रिलीज कर रहे थे तो उसी डेट पर अजय के मना करने के बावजूद करण ने जानबूझकर अपनी फिल्म एदेले मुश्किल रिलीज की तो दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी बीच कमाल रशीद खान यानी कि KRK का ऑडियो लीक हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि करण जौहर ने उन्हें एदेले मुश्किल की तारीफ करने के लिए पैसे दिए थे, जिसका जब अजय को पता चला तो उन्होंने करण के खिलाफ जांच करवाई और वो दोषी निकले, जिसके बाद करण पर अजय की फिल्म फ्लॉप करने के आरोप भी लगे जिस कारण करण ने माफी मांगी। नंबर दो, करण की इस हरकत पर जब काजोल ने करण पर अपनी नाराजगी जताई तो उन्होंने काजोल के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर डाली जिससे अजय चुप नहीं रहे और एक बार फिर उन्होंने करण जौहर को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें शर्मिंदा कर दिया। नंबर तीन, उसी साल 2016 में उरी बेस कैंप पर हुए हमले और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां करण जौहर ने पाकिस्तानी कलाकारों का बॉलीवुड में काम करने का समर्थन किया, वहीं अजय ने उसका पुरजोर विरोध किया और जनता ने उनका बहुत साथ दिया और पाकिस्तानी कलाकारों को उनके देश वापस भेजा। इस तरह एक बार फिर अजय ने उनकी हेकड़ी निकाल डाली। नंबर चार, इतनी बार अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी हेकड़ी दिखाते रहे जिसके चलते उन्होंने काजोल से कहा कि अजय उनसे माफी मांगे, पर काजोल ने अपने पति का समर्थन करते हुए करण को ही नीचा दिखा दिया और अंत में करण को ही 3 साल बाद काजोल और अजय से माफी मांगनी पड़ी, वो भी अपने ही शो पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोई एक्टर है अजय देवगन जैसा दमदार? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए और बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए।